नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। ओपीएस लागू करने का ऐलान, न्यूनतम वेतन 26,000 होगा, आउटसोर्स कर्मी होंगे नियमित। JCPIM ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने, आउटसोर्स कर्मचारियों पार्ट टाइम वर्करों को नियमित करने के साथ ही मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में हंगामा, लोगों ने लगाई मुर्दाबाद के नारे। जय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। केजरीवाल ने गुरुवार को सोलन में रोड शो किया, लेकिन उनके रोड शो में खूब हंगामा हुआ। लोगों ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए और केजरीवाल की तरफ पर्चे फेंके। आपको बता दें कि केजरीवाल की तरफ पर्चे फेंकने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों की पिटाई कर डाली। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव करके कुछ लोगों को बचाया। राजनाथ की जयसिंहपुर जनसभा में पीओके चाहिए के लगे नारे, रक्षा मंत्री बोले धैर्य रखें जल्द मिलेगा। जय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कांगड़ा के जयसिंहपुर, देहरा और सोलन के अर्की में चुनावी जनसभाएं की। जयसिंहपुर के चौगान में जनसभा के दौरान एक पूर्व सैनिक के साथ साथ जनता ने हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके वापस चाहिए के नारे लगाए। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि धैर्य रखें जल्द मिलेगा। भाजपा ने कर्मचारी नेताओं की चुनाव आयोग से की शिकायत, कांग्रेस ने DGP का तबादला करने की मांग उठाई। जे भाजपा ने सोशल मीडिया पर प्रचार में सक्रिय कुछ कर्मचारी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दी है। पार्टी के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक सुरेंद्र एस घनकोटा ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी को हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ HP के पदाधिकारी कुछ सरकारी कर्मियों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने और कांग्रेस के समर्थन में अपने सदस्यों को वोट करने की अपील के खिलाफ शिकायत की है। यह कर्मचारी सोशल मीडिया और सोशल मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। हिमाचल चुनाव में 4 को केंद्रीय मंत्री साग गडकरी और सीएम योगी की जनसभाएं प्रियंका नगरोटा में गरजेंगी। जे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 4 नवंबर को जिला शिमला के रामपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जिला शिमला के रामलीला मैदान रोहड़ू में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 नवंबर को जिला कांगड़ा के नगरोटा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और ठारू मैदान नगरोटा में जनसभा करेंगे। इसके बाद जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र जासवा परागपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर ऊना विधानसभा क्षेत्र में मेहतपुर टैक्सी स्टैंड में जनसभा करेंगे। इसके साथ रसाम को जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे और ऊना जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। नगर निगम में पेट्रोल के नाम पर लाखों रुपए का घपला, चार्जशीट करने की तैयारी। जय नगर निगम शिमला में पेट्रोल के नाम पर हर महीने लाखों रुपए का घपला चल रहा था। शहर से कूड़ा ढोने वाली कई गाड़ियों के चालक हर महीने गोलमाल कर नगर निगम को 3 से 4 लाख रुपए की चपत लगा रही थी। आपको बता दें कि घपले का खुलासा होने के बाद निगम प्रशासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है। एक चालक को चार्जशीट करने की तैयारी भी कर ली है और कुछ अन्य चालक भी जांच के दायरे में है। आप इसके साथ ही आपको बता दें कि शहर में कूड़ा ढोने के लिए 70 गाड़ियां लगाई गई है। 2 दिन में 4 रैलियां करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जब विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। शनिवार को उनकी सोलन और मंडी में तो 9 नवंबर को 2 अन्य इलाकों में रैली होगी। वहीं दूसरे विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। पोस्टर लगाने पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट, क्रॉस FIR दर्ज। जब चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ा हलके में पोस्टर लगाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत पुलिस में देकर अपना अपना पक्ष रखा है। वहीं पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रात काकोग नामक स्थान पर कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। ईश्वर चंद्र और निकार राम के बीच यह मारपीट हुई है। ओल्ड करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है कांग्रेस। जे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस केवल ओल्ड करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी तो खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा तक खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा खुद कह रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे, ऐसे में कांग्रेस नेता गारंटी कैसे दे रहे हैं। पात्रा ने कहा कि भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से रिवाज बदलने जा रही है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और हरियाणा में रिवाज बदला, उसी तरह अब हिमाचल में भी रिवाज बदलने की तैयारी है।
25 साल बाद मिलेगा पच्छाद सड़क के लिए दी जमीन का मुआवजा। जय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पच्छाद तहसील में बनी नारक वासनी सड़क के लिए भूमि मालिकों को मुआवजे का हकदार ठहराया है। वहीं न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने प्रभावित भूमि मालिकों को 6 महीने में मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। रूप सिंह भाजपा कांग्रेस से दिलीप और पंकज निष्कासित। जय प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 2 नेताओं को निलंबित किया है। MBBS के लिए IGMC में प्रवेश शुरू, 15 नवंबर से शुरू होंगी कक्षाएं। जय इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS की कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 5 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। 15 नवंबर से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। वहीं IGMC में ऑल इंडिया कोटे की 18 और राज्य कोटे की 102 और कुल 120 सीटों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। नीट की ऑनलाइन काउंसिलिंग के बाद MBBS में प्रवेश लेने के लिए छात्र अभिभावकों के साथ IGMC पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स सेक्शन में रिपोर्टिंग के बाद दस्तावेज जमा करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दस्तावेज में छात्रों से 10वीं और जमा 2 कक्षा के प्रमाण पत्र, मूल हिमाचली प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं। JP नड्डा बोले, हम सेवा के लिए और कांग्रेसी मेवा के लिए करते हैं काम। जय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये दोनों पर्यायवाची हैं। हम मिशन पर काम करते हैं और कांग्रेसी कमीशन के लिए काम करते हैं। हम सेवा भाव से काम करते हैं और कांग्रेसी मेवा खाने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या तो जेल जाने को या तैयार है या बेल पर है। सलोनी के ऐतिहासिक चौगान में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब राज नहीं, रिवाज बदलने के लोगों ने मन बनाया है। अब प्रदेश में अल्टा पल्टी नहीं होगी। आपकी एंट्री ने रोचक बना दिया मुकाबला, उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। जय विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अब प्रत्याशी जी जान से जुट गए हैं। इसके लिए जहां बैठकों का दौर शुरू कर दिया है तो वहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए भी हर रणनीति अपना रहे हैं। डलहौजी 20 सीट को हथियाने के लिए जहां भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो वहीं इस बार आपकी एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। भाजपा ने जहां DS ठाकुर को चुनाव में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से नवा चुनाव लड़ रही कांग्रेस से मौजूदा विधायक आशा कुमारी फिर से भाजपा के उम्मीदवार को चुनौती दे रही है। चलिए वह चलते हैं आज की आखिरी खबर। न्यायाधीश बारो बोलिया बने हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोबलिया राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति बारोबलिया को गुरुवार को यहां राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हिमाचल लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त बनाया है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।